मेरे बच्चे, एक बात समझ लो और ठान लो कि तुम किसी के भी भावनाओं से प्रभावित नहीं होगे। ऐसा करना तुम्हें मुश्किल लग सकता है, पर यह करना संभव है। दूसरों के हाथों की कठपुतली मत बनो। लोग तो चाहते हैं कि मैं जो बोलूं वही तुम करो। अगर मैं कहूं कि ये काम करो तो तुम वही करो। अगर मैं तुम्हें गुस्सा करूं तो तुम सुनो। आपस में प्यार से रहना अलग बात है और किसी के हाथ की कठपुतली बनना अलग बात है। तो अपने आत्मसम्मान को जिंदा रखने के लिए खुद का सम्मान करना सीखो और ना बोलना सीखो। जो बात तुम्हारे मन के विरुद्ध है वहाँ पर नहीं बोलना ज़रूरी है। फिर चाहे वो तुम्हारे अपने घर परिवार वाले हों या ऑफिस के हों या दोस्त हों, ज़रूर बोलो। ना बोलना नहीं सीखोगे तो हमेशा उनके हाथ की कठपुतली बन के रह जाओगे। और अगर कोई तुम्हारा उपहास करे तो उन्हें इग्नोर करो और माफ़ भी करो। यदि तुमने उनकी बातें मन पर ले ली और खुद को नीचा समझ लिया तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि जो तुम्हारा उपहास करते हैं वो तो यही चाहते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो, हमेशा उनके नीचे दब कर रहो। इसलिए सबकी बातें सुनो, लेकिन जो ज़रूरी है वही अपने अंदर ग्रहण करो और जो बातें तुम्हारे मन के विरुद्ध हैं उन्हें इग्नोर कर दो। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। तुम मेरे बहुत काबिल बच्चे हो और मुझे तुम पर नाज है बच्चे।